सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द फोर्थ एपिसोड ऑफ द गॉड ऑफ हाई स्कूल। सो ये एपिसोड फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट एक्शनलेस था, पर फिर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा एपिसोड था। और ये वाले एपिसोड में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसको छोड़ के जो हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं उन पे ज्यादा फोकस किया है, विच इज गुड फॉर द शो। और इस एपिसोड में एक ट्रांजिशन था जिसको अगर आपने नोटिस किया हो, जो कि था यू मीरा के प्रपोजल से लेके उसकी शादी की तैयारी तक। तो ये चीज लिटरली एपिसोड के अंदर 3-4 सेकंड में खत्म हो जाती है, और ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती डाइजेस्ट करने को अगर ये एनीमे अपनी नॉर्मल अप्रोच रखता तो। बट जैसे कि पहले 3 एपिसोड्स में हम लोगों ने देख लिया है कि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस है, तो वो वाला ट्रांजिशन इज एक्चुअली बिलीवेबल एंड गुड। सो यस, ओवरऑल ये एपिसोड भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। सो एपिसोड स्टार्ट होता है एक न्यूज चैनल अनाउंसमेंट से, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि पूरी सियोल सिटी में से सिर्फ अब 4 कंटेस्टेंट बचे हैं इस टूर्नामेंट में, और उन्हीं चारों पार्टिसिपेंट्स के बीच में सेमीफाइनल्स होगा। और इन 4 लोगों में से पहले 3 लोग हमारे ही मेन कैरेक्टर्स हैं, और जो आखिरी बंदा है वो ये ब्राजीलियन फाइटर है। सो बेसिकली कॉम्पिटिशन के इस लेवल पे सिर्फ 2 मैचेस रह गए हैं, जिसमें से पहला मैच है यू मीरा और हैन भैया के बीच में, एंड दूसरा मैच ऑफकोर्स उस ब्राजीलियन फाइटर और जिनमुरी के बीच में। विच मीन्स कि इस एपिसोड या अगले एपिसोड में हमें और नेक्स्ट लेवल की फाइट दिखने वाली है। इन द नेक्स्ट सीन हमारे मेन कैरेक्टर्स अपने घर जा रहे होते हैं, तभी ये स्ट्रेंजर आदमी आता है एंड ही प्रपोजेस मीरा फॉर द मैरिज। और अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि यू मीरा अपनी छोटी बहन के साथ अपनी शादी की तैयारी कर रही है, और यही वाला ट्रांजिशन था जिसके बारे में मैं अपने रिव्यू में बात कर रहा था। फिर हमें उस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा और बताया जाता है, और ये भी बताया जाता है कि उसने मीरा को शादी के लिए कैसे कन्विंस किया। और हमें दिखता है मीरा का फ्लैशबैक, और ये वो वाला मोमेंट है जहां पे उसके फादर की डेथ हो चुकी है, और जो यू मीरा के फादर थे वो उनकी ट्रेडिशनल स्वॉर्ड फाइटिंग स्टाइल को रिटेन नहीं कर पाए, और जो उनके छोटे भाई हैं यानी कि यू मीरा के अंकल, वो भी इस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सो इसलिए मीरा डिसाइड करती है कि वो अपनी फैमिली ट्रेडिशनल स्वॉर्ड स्टाइल को रिवाइव करेगी। एंड नेक्स्ट सीन में हम लोग देख सकते हैं कि जिनमुरी इज एक्चुअली ट्राइंग टू कन्विंस यू मीरा कि इसको टूर्नामेंट से विड्रॉ नहीं करना चाहिए और इस शादी को कैंसिल कर देना चाहिए। और हमें एक और इंपॉर्टेंट फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि यू मीरा ने कितने ज्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। फिर हम लोग सीधे पहुंच जाते हैं शादी वाले दिन पे, जहां पे थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन चल रही है, और हम लोग देखते हैं कि जिनमुरी भी वहां पे आ चुका है। और तभी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन आता है इस एपिसोड का, जिसमें हमें पता चलता है कि ये कैरेक्टर बिलोंग करता है उसी मिस्टीरियस गैंग से जिसके बारे में हमें पिछले एपिसोड में पता चला था, और बेसिकली इसको बस वो मूनलाइट स्वॉर्ड चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि जिनमुरी को सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर नहीं जाने दे रहे, और ये वाले सिक्योरिटी गार्ड्स भी एक्चुअली में वेल ट्रेन्ड हैं, एंड अब वो ग्रुप अप करके जिनमुरी को मारने ही जा रहे होते हैं। पर तभी हीरो की तरह एंट्री मारते हैं हान भैया, और इस सीन में ना ही कोई ड्रामेटिक म्यूजिक है और ना ही रिपीटेटिव शॉट्स हैं, जो कि दिखाता है कि ये शो के राइटर्स और क्रिएटर कितने ज्यादा मैच्योर हैं। मतलब इतने ज्यादा मैच्योर हैं कि उन लोगों ने बच्चों वाले एलिमेंट कुछ ऐड ही नहीं किए। इतना तो चलता ही है, कम ऑन। उसके बाद जिनमुरी और हैन भैया पहुंच जाते हैं शादी के हॉल के अंदर, और अब ये कैरेक्टर बहुत गुस्सा हो चुका है, और इसके अंदर से भी वही डिमोनिक टाइप ऑरा निकल जाता है जो कि हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था, पर तब भी इस चीज का कोई फायदा नहीं होता। और यू मीरा इसको देती है शॉट, पर फिर भी ये बंदा चालाकी से शॉट को ले जाता है, एंड हमारे कैरेक्टर्स एक्चुअली में रियलाइज नहीं कर पा रहे कि इस चीज का आगे क्या अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि उस मिस्टीरियस गैंग को भी एक्चुअली में वही शॉट चाहिए थी। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वही आदमी, और उसकी अब कंडीशन और खराब हो चुकी है। बट अब सीरियसली हैन भैया का दिमाग खराब हो चुका है, और उनका वो फ्रस्ट्रेशन और डेस्पेरेशन दिखता है इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। और यही सेम फ्रस्ट्रेशन दिखती है हमें उन दोनों के मैच में भी, और हान भैया इतने ज्यादा गुस्सा है कि वो बहुत ही ब्रूटली यू मीरा को इस फाइट में हरा देते हैं, और वो एक बहुत ही डिफरेंट टोन में जो कि उनका स्टाइल नहीं है जिनमुरी से कहते हैं सी यू इन द फाइनल्स। और ये लास्ट के 5 मिनट काफी ज्यादा डार्क थे, विच मीन्स नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, और ऐसे ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन यू नो द ड्रिल, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो me on Instagram @ @vinetoscope08